गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको कन्या यानी कि वर्गो राशि के लिए एक गुडलक यंत्र और मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। इस यंत्र को लक्ष्मी कवच यंत्र भी कहते हैं। इस यंत्र के प्रमुख लाभ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिए। यह यंत्र धन दौलत सुख शांति ऐश्वर्य प्रॉपर्टी के सभी कामों के लिए फायदेमंद है। इस यंत्र से धन प्राप्ति होकर ऋण लेन देन और पैसे संबंधित व्यवहार के लिए शुभ माना जाता है। नौकरी में बढ़ोतरी मिलकर वेतन में वृद्धि होती है और व्यवसाय में भी अच्छी धन प्राप्ति होती है। इस यंत्र से आर्थिक नुकसान होने की संभावना टल जाती है और गलत फैसलों से बचाया जा सकता है। अब मैं आपको यंत्र बनाने की विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। यंत्र बनाने की विधि अत्यंत आसान और सरल है। अगर आपकी चंद्र राशि कन्या यानि कि वर्गो है तो आपको यह यंत्र बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। मित्रों, हमने हमारी साइट पर कई साल पहले यह यंत्र प्रकाशित किया था और इसका लाभ हमारे बहुत सारे वाचकों को हुआ है। यंत्र इस प्रकार से है। यह यंत्र बनाने के लिए आपको एक भोजपत्र या सफेद रंग का कागज लेकर अष्टगंध की स्याही से एक अनार के पेड़ की नुकीले लकड़ी के टुकड़े से यह यंत्र बनाना है। अष्टगंध की पेस्ट बनाने के लिए अष्टगंध में कुछ पानी के बूंदे मिलाकर उसकी पेस्ट बनानी है। नमूने के तौर पर मैंने सफ़ेद रंग के कागज पर लाल रंग की स्याही से यह यंत्र बनाया है, लेकिन आपको भोजपत्र पर या सफ़ेद रंग के कागज पर अष्टगंध की स्याही से यह यंत्र बनाना है। यंत्र इस प्रकार से है। पहले मैंने एक स्क्वायर निकाला है, उसके अंदर छोटे 9 स्क्वायर है, यह देखिए, और उसमें कुछ अंक लिखे हैं। अंक मैंने अंग्रेजी में लिखे हैं, अगर आप चाहे तो इन्हें हिंदी में या आपकी जो मातृभाषा है उसमें भी लिख सकते हो। अब मैं वह अंक आपको बताने जा रही हूँ। 8, 1, 6, 3, 5, 7, 4, 9 और 2। यंत्र बनाने के बाद आपको यंत्र के सामने असली घी का दिया लगाकर धूप या अगरबत्ती प्रज्वलित करनी है और कुछ सुगंधित फूल अर्पित करके जो मैंने आपको आगे मंत्र बताया है उसका आपको 108 बार जाप करना है। जाप करने के लिए आप एक रुद्राक्ष जापमाला या अन्य कोई भी जापमाला का इस्तेमाल कर सकते हो। मंत्र इस प्रकार से है। ओम श्रीम एम सह। फिर से सुनिए। ओम श्रीम एम सह। ऐसा करने से
यंत्र मंत्र की शक्ति से अभिमंत्रित हो जाता है। इसके बाद आपको इस यंत्र को अच्छी तरह से फोल्ड करके धातु या कपड़े के तावीज में डालकर अपने गले में धारण करना है। आप इस यंत्र को लैमिनेट करके अपने जेब में या बटुए में भी रख सकते हो। मित्रों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।